गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग डे में। हमारे दिन की शुरुआत तो सुबह जल्दी हो गई थी, मगर रेडी होते होते बहुत टाइम लग गया। और आज जरा बालों की सेटिंग भी उस हिसाब से नहीं हुई जिस हिसाब से होनी चाहिए थी। किटी मैडम का वेट कर रहे हैं, उतनी देर में पहले पहुंच के एज़ यूजुअल हमेशा के लिए सुबह आते ही गाड़ी कोल्ड स्टार्ट कर देता हूँ। कुछ 5 या 10 मिनट के लिए इसको स्टार्ट छोड़ते हैं, ना आगे करते हैं ना पीछे करते हैं, ठीक है जी, ताकि डीजल गाड़ी है, लॉन्ग रन में ठीक रहता है। अभी हमारा शेड्यूल आज का कुछ, एक मिनट, ओके नहीं हो रहा सेट। हमारा आज का शेड्यूल कुछ ऐसा है कि किटी मैडम काफ़ी दिनों के बाद दर्शन देंगी सलोन में, और हमारे पास आज शायद 2 टैटू शेड्यूल्ड हैं। अभी क्लाइंट्स का कंफर्म नहीं है कि उन्होंने आना है या नहीं आना, बट टेलीफोनिकली हम लोगों की बात हुई थी कल, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट के कैसा शेड्यूल रहता है। गाड़ी मिट्टी से लथपथ हो रखी है, ये देखिए बुरा हाल हुआ हुआ है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर चल रहा है काम, रोड को ब्रॉड करने का काम चल रहा है, जो कि पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है। गुड, हो नहीं पाता ना, कंजस्टेड एरिया है, फिर पार्किंग्स भी हैं, लोगों ने गाड़ियाँ लगाई होती हैं, हमने भी लगाई होती हैं, हम भी उन्हीं लोगों में हैं। सलोन पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं। बाकी कल की जो हमारी राइड रही ना, वो बहुत ही चुम्बेश्वरी राइड रही, बहुत मज़ा किया। शाम को मैं फिर से निकला था राइड पे कुफरी, और बहुत सी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करी हमने बगीरा की विद नेचुरल व्यूज़। अगर आपने नहीं देखा वो, एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे कहीं पे पोस्ट नहीं किया, बट इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रिफ्लेक्ट हो रही है वो। तो बहुत से हमारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो शायद इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हैं हमें, तो आप प्लीज़ कर लीजिए बाय द सेम नेम किटी एंड जेरी HQ वाले। दिन बहुत सनी हो रखा भाई आज, बट सो सॉरी मेरी विंडशील्ड थोड़ी सी गंदी हो रखी है, और मैं चाहता नहीं कि मैं इस पर पानी का स्प्रे करूं, तो कीचड़ हो जाएगा, अभी गाड़ी चलेगी तो उड़ जाएगी मिट्टी। आपको हम ऐसा करते हैं, आप जरा सलोन पहुंच के ही फ़ोन करते हैं। मैं एक्चुअली क्लाइंट्स को ये डायलॉग बोलता हूँ कि भाई अभी तो मैं घर पे हूँ, बस सलोन पहुंचता हूँ फिर फ़ोन करता हूँ, वही चढ़ावा जुबान पे। सलोन पहुंचकर मिलते हैं आप लोगों से। ये लीजिए किटी मैडम का स्वागत करिए तालियों के साथ। मैंने अपनी गाड़ी का स्वागत करी, गाड़ी की तो हालत खराब है, अब क्या बताऊँ मैं आपको गाड़ी की हालत कैसी हो रखी है। किटी तो आज बिल्कुल नीलो रानी बन के आई हुई है, नीलो रानी दिख रहे, दिख तो रहा है। पानी डाल दो। नहीं, कीचड़ हो जाएगा, ऐसे जाएंगे क्या? अभी उड़ जाएगी हवा में। कपड़े से साफ कर देती हूँ। अरे अभी हवा चलेगी, जब गाड़ी चलेगी तो उड़ जाएगी ना, मिट्टी तो है। अब ना जी ऐसा कि आप वाइफ से नहीं बहस सकते, मैंने बोला था कि हम इसको जब चलाएंगे ना तब उड़ जाएगी मिट्टी, मगर जनानी के सामने कौन कर सकता बहस, कोई बहस नहीं। अब पानी के फुहार मरवानी पड़ी सारी मिट्टी इकट्ठी होगी कोने में, अब कोने में कपड़ा कौन मारेगा है? तुम। ड्राइवर रखा हुआ तूने मेरे को? वाह, आज मुझे बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। गोवा की खांसी अभी तक नहीं गई भाई। मुझे समझ में आया कि गाड़ियों में ये वाला शीशा क्यों होता है। तुम्हें क्या लगा था क्या होता है? मुझे लगा वो ऐसी लगा के भूल गया, आज समझ में आ गया मेरे को कि क्यों होता है ये शीशा, ताकि पिछले 6 सालों में पहली बार मैंने ऐसा किया। नहीं, मुझे आज ऐसा रियलाइज हुआ, ताकि हमारी जो लाड़ी है ना वो ऑन द गो रेडी हो सके, टाइम बच जाए बंदों का। सही में पता था आपको ये? कमेंट करके बताओ फिर, पता था कि नहीं पता था?
स्माइली डाल दो एक, मैं समझ जाऊंगा। एक्चुअली यूट्यूब वालों ने हमें बोला है कि आप कमेंट्स नहीं करवा रहे लोगों से, भर दो फिर। पहुंच चुके हैं मिस्टर कादरी। हेलो गाइस, ये शादी खाने गए थे और इनकी आंखें सूजी हुई हैं। क्यों सूजी? नींद आ रही? ओहो, ज्यादा खा लिया पी लिया था क्या? सफर में थक गए? चलो अच्छी बात, मन कर रहा है, मन तो बच्चा है जी। और यहाँ एंट्री हो चुकी है हमारे सैफ अली खान की। सैफ अली खान ही लगता है दूर से, नहीं लग रहा? नहीं, संजय दत्त। ओके, तो समय हो गया है 5:30 और हम लोग प्लान कर रहे थे कि कुछ खाने को बनाया जाए। दीदी ने दे दिया धोखा आज, दीदी हमारी आई नहीं, बट किटी के साथ हमारी होगी सेटिंग कि तुम जाओ और खाना बना लो। अब 5:30 हो रहे हैं, मैं चला हूँ घर, खाना बनाएंगे हम काले चने। आपको दिखाते हैं आज हम पंजाबी स्टाइल काले चने कैसे बनते हैं, ठीक है जी? और उसके बाद बना के शाम को दोबारा किट्टी को वापस लेने आना पड़ेगा मुझे। मौसम एक नंबर हो रखा भाई, हल्की हल्की धूप लगी हुई है और साथ में चिली चिली। चले जी फिर घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। दिन अपना थोड़ा ऐसा ही था आज, बोरिंग जैसा, टैटू वाले क्लाइंट भी नहीं आए। कभी कभी मेरे दिमाग में आता है कि जिनका अपॉइंटमेंट है ना उनसे कुछ एडवांस ले लिया जाए, फिर ना दूसरी तरफ मैं सोचता हूँ क्यों एडवांस लेना यार, अच्छा नहीं लगता। छोटे छोटे टैटूज के लिए भी एडवांस लेना, कोई बड़ा टैटू हो ना फिर तो चलो बंदा सोचता भी है। जय माता दी। घर पहुँचते हैं और उसके बाद जरा खाने की तैयारी करते हैं। भाई आपका घर पहुंच चुका है, लाइट कम आ रही है, अब ठीक है। भाई आपका घर पहुंच चुका है और घर पहुंच के सबसे पहले हमने क्या किया, काले चनों को भिगो के रखा हुआ था उनको हम लगवाएंगे अब सीटी ते सीटी। हमने लगवानी है सीटी। आप क्या करेंगे, कुकर में जितने चने थे उससे डबल पानी डालेंगे और 1.5 चम्मच डालेंगे जी नमक और 1 डालेंगे लाल हरी मिर्च काट के। जो कि है नहीं हमारे पास। प्याज को कर दिया हमने बिल्कुल फाइनली चॉप इसकी मदद से, और अभी के लिए सरसों का तेल डाल दिया हमने गर्म होने के लिए। अब डाजी प्याज कर दिए मैश, टमाटर कर दिए मैश, इधर उबल रहा है चना और ये है जी प्याज। स्लो गैस पे धीरे धीरे इसको पकने देंगे, खुशबू आ रही है अब लाजवाब। हमने डाले गर्म मसाले भी, तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग, दैट्स इट। थोड़ा तेल को कड़ने दिया, उसके बाद डाला प्याज, धीमी धीमी आंच पे पकता रहेगा, बढ़िया फ्लेवर आएगा। उसके बाद हम टमाटर डाल देंगे इसके अंदर, बन गए चने। प्याज हल्के हल्के होने लग गए थे जी, तो इसमें हमने डाल दी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्का सा नमक ताकि प्याज अच्छे से मैश हो जाए, ब्लेंड हो जाए। या कुछ ऐसी ऐसी ग्रेवी बनी है, अभी इसको इसके अंदर डालेंगे और लगवाएंगे 2 सीटियाँ। काले चने फेवरेट अपने।
आते ही ठूसने का काम शुरू है क्योंकि सुबह से कुछ नहीं, आज हमारी ये लड़की इतनी एक्साइटेड थी ना आज कि आज इसने पूरे दिन भर कुछ खाया ही नहीं है, कुछ भी नहीं लिटरली। हाँ, मैं इसके लिए फ्रूट्स भी लाया था, इसने वो भी नहीं खाए और अभी फ्रूट केक पे गेड़ा दे रही है। एंड लाड़ी इज वेरी मच इम्प्रेस्ड क्योंकि हमने सारे बर्तन धो दिए हैं। थैंक्स। परसों से दीदी आ जाएगी। हाँ, ये दीदी आ रही है परसों से, कल से परसों से दीदी आ रही है। किटी की एक आदत मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। क्या? वो ये कि ये चेकलिस्ट बनाती है डेली डेली अपने फोन में नोट सेव करती है कि मुझे कल क्या करना है, कल क्या ले जाना है, सलोन में क्या चीज चाहिए, हमने खाने के लिए कौन से मसाले लाने हैं, कौन से फ्रूट लाने हैं। गुड, चल तो रख ले मेरा मॉरिशियस वाला बीच। लो जी, फिर हमारे पंजाबी स्टाइल काले चने बन के तैयार है। ओहो, किट्टी की पहली मील है ये दिन की, खा के बताओ जरा कैसा है, जल्दी। बहुत टेस्टी, मैंने पहले टेस्ट कर दिया। कर दे फिर ब्लॉग एंड यहीं पे। अच्छा, एक्टिंग एक्टिंग ठीक है जी, फिर करते हैं ब्लॉग यहीं पे एंड, कल मिलते हैं। बाय बाय।